डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.1 का बात करें तो क्लियरली हम लोग पूरा कंप्लीट किए थे। ब्रीफ चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज 10.1 हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। चलिए एक्सरसाइज 10.2 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 में पढ़ने के लिए दोस्त ना, सबसे पहले हम लोगों को कुछ थ्योरी पढ़ना होगा, ठीक है। अब कुछ थ्योरी पढ़ना है तो अब 10.2 में कौन कौन से थ्योरी है, तो सबसे पहले थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी अलग अलग कंडीशन में। तो टॉपिक बनाएंगे स्पर्श रेखा की संख्या, ठीक है, स्पर्श रेखा की संख्या। सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा की संख्या के बारे में जानेंगे। अगर स्पर्श रेखा की संख्या के बारे में जान जाएंगे तो हम लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी महसूस होगा, समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए सबसे पहले इसमें केस वन देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है वो बात समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। आपको जानना चाहिए केस वन में कि अगर कोई भी बिंदु वृत्त के जब अंदर है उससे स्पर्श रेखा कभी नहीं खींचा जाएगा। तो आप इन चीज़ों को केस वन में लिखिएगा कि वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु से, वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक वृत्त है और वृत्त के अंदर में कोई बिंदु स्थित है और इस बिंदु से कोई बोलेगा कि इस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचो, कभी भी हम लोग नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि अगर इससे आप खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा, ये छेदक रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिए हम लोग केस वन में क्या पढ़े हैं कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो उससे एक भी स्पर्श रेखा खींचा नहीं जा सकता है, ठीक है। अच्छा, केस टू में अगर बात करें, केस टू कि अगर वृत्त पर कोई बिंदु है दोस्त तो उससे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं केस टू में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर मान लिया कि कोई वृत्त है और वृत्त पर का कोई बिंदु है, वृत्त पर का बिंदु का मतलब है कि ये जो लाइनिंग हम लोग गोल राउंड ऑफ वाला लाइन दिख रहे हैं ना, इस पर कोई बिंदु स्थित है तो इस बिंदु से हम लोग खींच सकते हैं एक स्पर्श रेखा और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा वृत्त के अंदर कोई बिंदु रहेगा तो उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, लेकिन वृत्त पर कोई बिंदु अगर स्थित रहेगा तो उससे केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ना लिख लीजिए केस टू में, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित का मतलब होता है कि इसी वृत्त पर, चाहे आप यहाँ से खींच ले चाहे यहाँ से खींच ले, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल याद रखना कि अगर मान लिया कि कोई वृत्त है और वृत्त पर कोई बिंदु है तब उससे केवल और केवल कितने रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा एक। अब हम लोग केस थ्री में बात कर लेते हैं दोस्त। केस थर्ड है, केस थर्ड क्या है कि अगर मान लिया कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई अगर बिंदु रहेगा तो इससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर मान लिया कि इस बिंदु को ऐसे भी गुजारेंगे तब पर भी स्पर्श रेखा थोड़े ना हुआ, ये स्पर्श थोड़े ना रेखा हुआ, यानी कि ये स्पर्श रेखा नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो अगर कोई सर्किल है, वृत्त है और इससे अगर कोई बिंदु बाहर है, जैसे मान लिया कि एक बिंदु बाहर है, तो अब अगर सवाल आएगा कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु से, कोई एक बिंदु से
कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इस बिंदु से दोस्त जब वृत्त के बाहर रहेगा तो एगो स्पर्श रेखा खींची जाएगा सीधा, और इधर से खींचा जाएगा दूसरा। यानी कि याद रखिएगा कि जब कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उस बिंदु से दो गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यानी वृत्त के अंदर कोई बिंदु रहेगा तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त पर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है उस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसलिए केस थर्ड में लिखिएगा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा, केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब चलिए स्पर्श रेखा की संख्या के बारे में हम लोग जान गए, अब एक और टॉपिक्स बनाएंगे क्योंकि ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है, प्रमेय। अब कुछ ना कुछ प्रमेय है किससे संबंधित, तो वृत्त से संबंधित, क्योंकि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग वृत्त को पढ़ रहे हैं, तो वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय हैं। और याद रखिएगा कि इस चैप्टर में मात्र और मात्र केवल दो ही प्रमेय हैं। अब कौन कौन से प्रमेय हैं और ये प्रमेय कैसे यूज करना है, कैसे काम करना है इन प्रमेयों को, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रमेय 10.1 को पढ़ना, 10.1। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है, पहले इसको नोट कर लिया जाए, याद रख लीजिए, हम लोग अभी प्रमेय को पढ़ रहे हैं। अब प्रमेय क्या है, प्रमेय का मतलब एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है कि वृत्त में क्या कंडीशन होते हैं स्पर्श रेखा को लेकर। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित प्रमेय है, प्रमेय का मतलब कुछ रूल्स, कुछ फार्मूला जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को करते टाइम। तो प्रमेय इसमें दो ठो है, तो अगर एनसीईआरटी का बात किया जाए, एनसीईआरटी बुक से हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक में प्रमेय 10.1 के नाम से अभी जो हम लोग लिखने वाले हैं वो प्रमेय 10.1 है, आप बुक में भी इसका देख सकते हैं। तो चलिए पहले लिख लिया जाए कि क्या बोल रहा है ये प्रमेय। लिखा जाए, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जी हाँ बिल्कुल। अब प्रमेय 10.1 क्या कह रहा है, इसको एग्जाम्पल के तौर से समझिएगा। जैसे मान लिया कि कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का कोई स्पर्श रेखा है, जैसे मान लिया कि ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब ये वृत्त का कोई स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु कहाँ कहते हैं, तो जिस पॉइंट से, वृत्त के जिस पॉइंट से अगर गुजरता है स्पर्श रेखा तो उसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। और जब इस वृत्त के त्रिज्या को अगर मिलाते हैं, यहाँ पे ये हो गया हम लोगों को त्रिज्या और ये होगा हम लोगों को स्पर्श रेखा, तो याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा का जहाँ स्पर्श बिंदु होगा उस स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो खींचा जाएगा, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। या तो आप कैसे भी बना लो, देख लो, जैसे मान लिया कि एक सर्किल है, अब एक सर्किल पे ऐसे ना स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है और इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु, और बीच में किसी वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या को अगर मिलाएंगे तो इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बिल्कुल लंबवत बनता है, लंबवत होता है या लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये चीज़ें ना आपको याद रख लीजिए कि स्पर्श रेखा भाई कैसे भी हो,
ध्यान दीजिएगा, स्पर्श वृत्त का जो स्पर्श रेखा होगा ना, त्रिज्या से हमेशा कैसा होता है, हमेशा लंब होता है। चाहे मान मान लो कि ये हम लोगों का स्पर्श रेखा है और ये हम लोगों का त्रिज्या हो गया, क्योंकि त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है, तो ये त्रिज्या तो यहाँ पे भी लंब हो गया। अगर मान लिया कि एक स्पर्श रेखा है, अब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि कितना भी स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर तो बहुत सारा स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और ये जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या से हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री, यानी कि लंब होता है। आप इस प्रमेय को बिल्कुल याद रखिएगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रमेय नंबर 2। अगर एनसीईआरटी का बात करें तो प्रमेय नंबर 10.2 के नाम से जानते हैं, तो इसको लिखा जाए प्रमेय 10.2, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के बुक्स में प्रमेय का नाम है प्रमेय 10.2। अब ये प्रमेय क्या बोलता है, इसका थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना जरूरी है। तो ये प्रमेय क्या बोलता है, पहले इन बातों को लिख लिया जाए, लिखा जाए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मान लिया कि कोई सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, और इस सर्किल के बाहर ये वृत्त है, और इस वृत्त के बाहर मान लिया कि कोई पॉइंट है ए, ठीक है। अब इस बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2 स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा हो गया और एक हम लोग खींच सकते हैं ये, ठीक है। और स्पर्श बिंदु को ये को के नाम पी रख दीजिए, और दूसरा स्पर्श बिंदु हो गया क्यू। तो सवाल क्या बोलता है, प्रमेय क्या बोलता है कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो समान होता है, यानी कि यहाँ पे होगा AP बराबर AQ, यानी कि AQ, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा कि अगर वृत्त के, जैसे मान लिया कि अगर ये वृत्त है, अब इस वृत्त पर जैसे मान लिया कि यहाँ कोई बिंदु है बाहर, तो इस पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ मान लिया R है, यहाँ मान लिया S है, और यहाँ मान लिया T है। तो इस में जब वृत्त के कोई बिंदु बाहर रहेगा, तो बाहर से तो केवल दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो दोनों रेखा की लंबाई क्या होगा, समान होगा, मतलब कि RS बराबर RT। तो इन जितने भी बोल सकते हैं स्पर्श रेखा की संख्या पढ़े या प्रमेय पढ़े, तो आप इसको लिख करना याद भी रखना है, और इसका फिगर सबका अलग अलग जैसे बनवाए हैं, आपको पेंसिल की सहायता से बिल्कुल क्लियर बनाना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे, क्योंकि इतना ही चीज़ हम लोगों को जानना जरूरी था कि क्या क्या वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय बताता है। पहला प्रमेय क्या बताया कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और दूसरा कि वृत्त के बाहर से कोई बिंदु से दुगो जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अब चलिए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब 10.2 में जो पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाना चाहते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, अब देख पा रहे होंगे बुक में। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु क्यू से, चलिए सबसे पहले ना क्वेश्चन तो आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू को केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है क्या ना, आप पहले इसका फिगर बना लो, एक वृत्त बनाना इसमें भाई,
एक वृत्त बनाना, ठीक है। और वृत्त के बोल रहा है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु है जिसका नाम है क्यू, ठीक है। और इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्यू है, इससे जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा का मतलब ऐसे खींचा गया है, या तो फिर हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, क्योंकि बाहर वाला बिंदु से हम लोग देख पाते हैं ना कि दो ही स्पर्श रेखा की जा सकता है, तो दो को खींच लेना है। और बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ ना ये 24 स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये वाला हो गया नाम, इसका दे दीजिए P और इसका दे दीजिए R, अपने से नाम दे देना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो आप इसको 24 सेंटीमीटर कीजिएगा तो ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग प्रमेय पढ़े 10.2, उसमें पढ़े कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी लंबाई क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। फिर क्या बोल रहा है उसके आगे, तथा क्यू को केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो ये क्यू है और इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहाँ पे ओ है, ठीक है। अब इसका दूरी कितना है, तो इसका दूरी हम लोगों को बोल रहे सवाल में 25 सेंटीमीटर है। तब क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमको निकालना है। तो वृत्त का त्रिज्या का मतलब आप इससे इसको मिला देंगे, वृत्त का त्रिज्या तब पर भी निकलेगा। तो जब इससे इससे मिला देंगे, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, हमको तो त्रिज्या निकालना है। तो ये दोस्त हम लोगों का त्रिज्या है। जब त्रिज्या को मिलाएंगे ऊपर, तो हम लोग जानते ना हैं कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा चित्र से इन फिगर आपको दिख पा रहा होगा ओ आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है, ओ आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है। और जब ओ आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण किसको कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे ओ क्यू को, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यहाँ एच का मान हो गया हम लोगों को 25, और आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से हम लोगों का बी आधार हो गया 24, और पी का मान निकालना है। तो बी का मान हो गया कौन सी, 24 सेंटीमीटर, और पी का मान हो गया हम लोगों को आर, आर माने कि त्रिज्या। तो हम पी बराबर फार्मूला नहीं पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ाए हैं कि पी का फार्मूला होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो अब सबका वैल्यू रख लीजिएगा और आपको पी निकल जाएगा, और पी निकल जाएगा तो लिख दीजिएगा कि त्रिज्या बराबर जितना आएगा, हालांकि इसमें ऑप्शन दिया है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिएगा कि क्या आता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आकृति 10.11, यही है 10.11। इस आकृति को थोड़ा सा हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के इधर हम लोगों को वृत्त का केंद्र बोल रहा है ओ है, ओ कर दिए। फिर यहाँ पे एक बाहर बिंदु टी है और इस टी को ऐसे मिलाया हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे एक बिंदु पी रखा है, यहाँ पे एक बिंदु क्यू रखा है, और दोनों को ऐसे त्रिज्या मिला दिया है, ठीक है। अब देखिए, और ये दोनों के बीच में ना 110 डिग्री लिखा है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू का वैल्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू का मान बताना है। यहाँ पे लिखिएगा कि दिया है, क्या क्या दिया है, तो पी टी 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 कॉमा टी क्यू दो स्पर्श रेखा हैं, और ये भी दिया है कि पी ओ क्यू का मान कितना डिग्री, 110 डिग्री। हमको निकालना कौन सी है, पी टी क्यू, यानी उसके नीचे लिखिएगा कि पी टी क्यू बराबर व्हाट, पी टी क्यू निकालना है। तो जब पी टी क्यू निकालना है
तो अब आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, या फिर ऐसे लिखिएगा प्रमेय 10.1 से, 10.1 से, प्रमेय 10.1 में क्या पढ़े हैं कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, नहीं ये भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। यानी कि जब हम लोग प्रमेय 10.1 पढ़े तो वहाँ पे पढ़े ना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो ओ पी टी का मान 90 डिग्री, ओ पी टी का मान हो गया 90, 90 डिग्री। अच्छा फिर इधर लिख सकते हैं ओ क्यू टी का मान, ओ क्यू टी का मान 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 90 होगा। अब लिखिएगा उसके बाद कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज में याद रखिएगा चारों कोणों का योग 360 होता है, लेकिन त्रिभुज में तीन गो कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से चतुर्भुज बन रहा है ना है पी ओ क्यू टी, तो हमको यही वाला पी टी क्यू जो है निकालना है, तो इसलिए लिखिएगा कि इसमें चार गो कोण कौन कौन सा है, वो ओ पी टी प्लस पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस फिर ओ क्यू टी प्लस पी ओ क्यू, यहाँ लिखिएगा सबका जोड़ के और कितना डिग्री, 360 डिग्री, यानी चारों कोण को जोड़कर और 360 कर दीजिएगा। और यहाँ ओ पी टी के मान यहाँ 90 है, पी टी क्यू का पी टी क्यू छोड़ दीजिएगा, ठीक है, पी टी क्यू को पी टी क्यू छोड़ देना है। ओ क्यू टी तो ओ क्यू टी का वैल्यू 90 है, और पी ओ क्यू का वैल्यू हमको सवाल में दिया है 110, यानी इसका मान, इसका मान, इसका मान रख देना है और सबको जोड़ देना है और उधर ले जाके घटा देना है, तो पी टी क्यू निकल जाएगा। इस तरीके से जो निकलेगा पी टी क्यू का वैल्यू, पी टी क्यू का वैल्यू, उसका हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि चार गो ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। सबसे पहले खुद से फिगर बनाना है, और उस फिगर में यहाँ पे आप बनाइएगा कि कौन कौन से स्पर्श रेखा बोल रहा है, कितना डिग्री का कोण है, और जितना डिग्री का कोण बोलेगा मतलब दूसरा के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, फिगर को अपने से बनाना है। तो फिगर को खुद से बनाकर और इसको करने का प्रयास करना है। तो दोस्तों थर्ड नंबर आपको एक होमवर्क्स के तौर पे आपको खुद से ट्राई करना है, बनाना है, नहीं बनेगा फिर हम अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।